हेलो दोस्तों, स्वागत है आपसे कि मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों, जैसे कि सभी बच्चों को पता है, आज के दिन जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट रखा गया था, तो जिसमें कुछ बच्चे आए थे। ठीक है, तो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट रखा गया था, तो अब इस प्रोटेस्ट में क्या हुआ और क्या नतीजा निकल के आया, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज 12 तारीख है, सभी बच्चों को बताया गया था कि आज के दिन जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट रखा जाएगा। ठीक है, और जो इसके लीडर थे वो थे पवन बढ़ाना। ठीक है, तो पवन बढ़ाना इसके लीडर थे प्रोटेस्ट के, मतलब एक तरीके से बच्चों को गाइड कर रहे थे। तो दोस्तों, वो सीधी बात करने गए शिक्षा मंत्री से, तो उन्होंने वहाँ पे वेट किया और शिक्षा मंत्री से बात करी, तो उन्होंने बताया कि आप लोग OBE क्यों चाहते हो। तो जो पवन बढ़ाना है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रखे कि जो बच्चे मांग कर रहे हैं कि हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन तरीके से हुई हैं और जो एग्ज़ाम है वो फिजिकल मोड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो कई सारे बच्चों ने अपनी राय दी है, तो वो उन्होंने राय दिखाई बच्चों की कि हमें OBE चाहिए, हमारा जो एग्ज़ाम है वो OBE तरीके से कंडक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो क्लासेस है, स्टडी है, सारा कुछ ऑनलाइन तरीके से हुआ है, तो एग्ज़ाम भी हमारे ऑनलाइन तरीके से कंडक्ट होने चाहिए। और इन्होंने एक दो एग्ज़ाम्पल भी रखे हैं कि अदर यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन तरीके से क्लासेस हुई हैं, तो उनके एग्ज़ाम ऑनलाइन तरीके से कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। जो पवन बढ़ाना ने ये बात शिक्षा मंत्री के सामने रखी है, तो उन्होंने शिक्षा मंत्री ने ऐसा बोल दिया है कि इसको लेके हम UGC से बात करेंगे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं उनसे बात करेंगे, तो मंडे को मीटिंग होगी, तो मंडे में मीटिंग में क्या डिसीजन होता है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो मंडे को जाएंगे जो लीडर हैं, वही सिर्फ जाएंगे मंडे को बात करने शिक्षा मंत्री से। तो आप लोग एक बार खुद सुन लीजिए क्या कहा है पवन बढ़ाना ने और क्या बात हुई है शिक्षा मंत्री से उनकी, तो आप लोग एक बार सुन लीजिए। OBE के जो चांसेस हैं वो 99% हो गए हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री तक हमारी बात पहुंच चुकी है, मंडे को उन्होंने हमें दोबारा बुलाया है, और वहां पे जो एक बात फाइनल हुई है वो ये हुई है कि या तो OBE जो होगा वो हमारा होगा, OBE हमारा हो जाएगा, नहीं तो इस पूरे देश के किसी भी विश्वविद्यालय में OBE नहीं होगा, सबके फिजिकल एग्ज़ाम होंगे। तो यहाँ से हमें लग रहा है कि हमारे लिए एक पॉजिटिव एक गुड न्यूज़ है। आप सभी जो घर से बैठ के हमें सपोर्ट कर रहे थे उनका भी धन्यवाद, लेकिन जो घर बैठकर दिल्ली में होने के बावजूद भी जो घर में बैठे हुए थे, मैं उनसे फिर से कहूँगा कि यार आप लोगों ने बहुत गलत काम किया है, अगर आप लोगों को OBE लाना था तो आप हमारे साथ आते। अभी जो बच्चे आए थे, किसी एक पे भी FIR नहीं हुई है, ना ही पुलिस ने हमें कुछ कहा है, हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला है पुलिस का भी। तो खैर कोई बात नहीं, अब मंडे को फ्रूटफुल रिजल्ट 100% आएगा और 99% है कि OBE हमारे हो जाएंगे। धन्यवाद। वो सबको पता है, जैसे ही वहाँ पर गए तो करीब आधे घंटे हमने इंतज़ार किया, 45 मिनट्स हो गए। उसके बाद एक डायरेक्टर आते हैं, तो उनसे डिस्कशन होता है, वो मेरे पास वीडियो है, तो उनका कहने का मतलब ये था भाई तुम्हें OBE क्यों चाहिए, ओपन बुक से तो चीटिंग होती है, आपके तो मार्क्स बड़े अच्छे आ जाएंगे, उनका क्वेश्चन ये था। लेकिन हमें उसको भी तो काउंटर करना था, उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया कि 10-12 के तो बोर्ड बच्चे ऑफलाइन दे रहे हैं, तुमको क्या बता रही है, क्वेश्चन उनका जायज था ना। लेकिन हमने उनको प्रॉब्लम सारी बताई कि जी हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई, उसमें प्रोफेसर ने टाइम से नहीं ली, इधर उधर ली, ऑफलाइन का ऑर्डर आया, उसके बाद ऑर्डर के बाद भी हमारी प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस नहीं हुई, करीब 80% में अभी भी आप हमने इतना बड़ा चिट्टा ले गए थे ना, उसका बड़ा फर्क पड़ा। वो जब चिट्टा उनको दिखाया ना, एक एक पन्ने उन्होंने देखे तो हंस पड़े, वो कह रहे सारा प्रूफ है, मन की एक ही चीज लेकर आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद उनको बात समझ में आ गई, उन्होंने बोला, फिर उसके बाद जो मेन उनको पॉइंट समझ में आया, मैंने कहा एक चीज बताइए सर कि बाकी यूनिवर्सिटी जो ये प्रूव है हमने दिखाए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ की यूनिवर्सिटी सारी, वो करा रही है क्या ऑनलाइन, तो उन बच्चे के मार्क्स कैसे आएंगे। मैंने कहा मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे मत बताइए मार्क्स कैसे आएंगे उनके, कि अच्छे आएंगे, मतलब कि हमारा ऑफलाइन हो रहा है, हमारे कैसे आएंगे, कि कम आएंगे, हम कहीं कॉम्पिटिटिव में एग्जिस्ट कर पाएंगे उनके सामने, बताइए मुझे भाई। हमारा 60% आ रहा, 90 से 60% आ गया, तो कहीं इंटरव्यू के लिए जाएंगे किसी यूनिवर्सिटी में, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे, क्या जवाब देंगे, क्यों आया भाई तुम्हारा इतना डिक्रीज क्यों हुआ। कि सर अगर हम 60% वाले बच्चे होते तब कोई दिक्कत नहीं थी, 60 चलता है, कॉन्स्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं थी, ना कोई ऑब्जर्व करता, सारे बच्चे 90+ वाले हैं, 80+ वाले हैं, अब हमारा ग्राफ डाउन होगा तो हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कैसे बीट कर पाएंगे, BHU के बच्चों को कैसे बीट कर पाएंगे, ये उनको वैलिड पॉइंट लगा।
सबसे अच्छा उन्होंने कहा हाँ ये बात मैं मानता हूँ आपकी। उसके बाद हमारी सतीश साहब से मिली हुई, उनको भी समझ में आया। अब उन्होंने क्या किया है, यूनिवर्सिटी से यूजीसी से हम बात करेंगे और मंडे फिर से बुलाया गया और ये रिसीविंग उन्होंने दे दिया, आप देख भी रहे होंगे रिसीविंग, ठीक है, आप फोटो खींच सकते हैं, रिसीविंग उस पर लिख के दी हुई है कि हाँ हमारी मीटिंग हुई है, ठीक नहीं है भाई, एक मिनट एक मिनट, वो कह रहे थे जाइए, मन की सर नहीं ऐसे नहीं जाएंगे, आप रिसीविंग करके दो, ठीक है, ये जो रिसीविंग है।